वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स या चुंबकीय पदार्थों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम कोबाल्ट स्टील या कोबाल्ट इस्पात, टंगस्टन स्टील, टंगस्टन इस्पात, एलनिको और एलनी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी चुंबकीय पदार्थ अपनी विशिष्टताओं के कारण अलग अलग स्थानों पर काम लिए जाते हैं। जहाँ तक बात कोबाल्ट स्टील की है, इसमें कोबाल्ट कंटेंट के कारण ये पदार्थ महंगे होते हैं। इनका उपयोग व्यापारिक महत्व के यंत्रों में, मोटर्स में, पंखों आदि में किया जाता है, जबकि जो टंगस्टन स्टील है वो स्थायी चुंबक बनाने में मोटर व जनित्रों के लिए। एलनिको, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें तीन तत्वों की उपस्थिति या तीन मेटल्स की उपस्थिति अनिवार्य है, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। कुछ एलनिकोज में कोबाल्ट की अनुपस्थिति रहती है, जैसे एलनिको 3, उसमें मुख्य रूप से आयरन होता है और शेष एल्यूमिनियम और निकल। एलनी भी एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है जिसमें उच्च चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इनमें चुंबकीय ऊर्जा संग्रहण ज्यादा होता है और जो इनका मुख्य रूप से उपयोग है वो लाइट और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। तो हम अब सबसे पहले कोबाल्ट स्टील, जिसमें कोबाल्ट कंटेंट 36%, टंगस्टन 4%, क्रोमियम 6% और शेष भाग लोहे का होता है। यह कठोर पदार्थ होते हैं। कठोर होने के साथ ही यह मजबूत भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। जो कोई से फोर्स अर्थात निग्रह बल HC का मान 10^4 एम्पियर टर्न पर मीटर है। जो संतृप्त फ्लक्स घनत्व है या सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी BR, उसका मान 2.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। यह अत्यधिक दक्ष चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वेरी एफिशिएंट एज ए मैग्नेटिक मटेरियल, और इनमें कोबाल्ट कंटेंट के कारण यह महंगे होते हैं। इनका उपयोग व्यापारिक महत्व के जो यंत्र हैं उनमें, मोटर्स में और पंखों में किया जाता है। अब दूसरा जो पदार्थ जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे वो है टंगस्टन स्टील या टंगस्टन इस्पात। इसमें जो कंपोजिशन है उसमें 5-6% टंगस्टन, कार्बन की मात्रा 0.6-0.8%, मैंगनीज की मात्रा 0.5% और शेष भाग लोहे का होता है।
इनका जो संतृप्त फ्लक्स घनत्व है या सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी BR वो 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जबकि कोबाल्ट इस्पात के अंदर इसका मान 2.4 है, अर्थात संतृप्त फ्लक्स घनत्व का मान इसमें लगभग आधा है। निग्रह बल या कोएसिव फोर्स SC का मान 8000 एम्पियर टन पर मीटर है, जबकि कोबाल्ट जो स्टील था उसका था 10000 एम्पियर टन पर मीटर। अब ये दे हैव हाई टफनेस, अच्छा उच्च मजबूती के पदार्थ होते हैं, दे हैव हाई वियर रेजिस्टेंस, उच्च घिसाव प्रतिरोध होता है, हाई शॉक रेजिस्टेंस तो उच्च आघात प्रतिरोध होता है, हाई मैग्नेटिक रिलक्टेंस अर्थात प्रतिष्ठभता या चुंबकीय प्रतिष्ठभता भी उच्च होती है। अब इसकी जो उच्च कठोरता के कारण दरार व विकृति से बचने के लिए जब इनका तापीय उपचार या ट्रीटमेंट किया जाता है उस समय अधिक ध्यान देना पड़ता है और इनका उपयोग परमानेंट बगाने में, परमानेंट मैग्नेट बनाने में यानी स्थायी चुंबक बनाने में फॉर मोटर्स एंड डायनमोज यानी मोटरों व जनित्रों के लिए स्थायी चुंबक बनाने में टंगस्टन स्टील का उपयोग किया जाता है। तीसरा है एलनिको, तो एक जो जनरल कंपोजिशन हम कह सकते हैं उसमें 10% एल्यूमिनियम, 15% निकल, 5% तांबा, 20% कोबाल्ट और शेष 50% लोहा होता है। इनका जो संतृप्त फ्लक्स घनत्व है या सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी है BR वह टंगस्टन स्टील के समान ही 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, परंतु इनका जो कोएसिव फोर्स है या निग्रह बल जो SC है उसका मान 10^5 या 10^5 एम्पियर टन पर मीटर है, अर्थात जो कोबाल्ट स्टील है उससे 10 गुना ज़्यादा। इनमें हाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अर्थात अवशिष्ट चुंबकत्व ज़्यादा होता है या अधिक होता है, यह कठोर और भंगुर होते हैं, इसके कारण इस पर मशीनिंग करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसकी सीधी कास्टिंग की जाती है। यह एलनी के एवज में एक सुटेबल पदार्थ है जिसका उपयोग अति संवेदनशील जो मापन उपयंत्र हैं उसमें यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, सेंसर्स, लाउड स्पीकर्स, मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स और इसके जो एलनिको पदार्थ के द्वारा जो बने हुए चुंबक होते हैं वो सघन और वजन में हल्के होते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के एलनिको उपलब्ध हैं उनकी कंपोजिशन तथा उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा हुआ एलनिको 1, 2, 3, 5, 6 और इसमें दर्शाए अनुसार इनका कंपोजिशन है तथा जो कोएसिव फोर्स, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और BH कर्व का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है उसका मान यहाँ दिया गया है। तो इस यहाँ पर जो कोएसिव फोर्स है या निग्रह बल का मान
वो एलनिको 6 का सबसे ज़्यादा है, उससे कम एलनिको 5 का, उसके बाद एलनिको 2, फिर एलनिको 3 और सबसे कम एलनिको 1 का। इसी प्रकार जो अवशिष्ट चुंबकत्व है या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म BR, उसका मान सबसे ज़्यादा एलनिको 5 के लिए है, उसके बाद एलनिको 6, एलनिको 2, एलनिको 1 एंड सबसे कम एलनिको 3 का। जो मैक्सिमम BH प्रोडक्ट है, जो कि एनर्जी स्टोरिंग को दर्शाता है, इकाई आयतन में किलो जूल पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है, तो सबसे अधिक है एलनिको 5 का, उसके बाद एलनिको 6, एलनिको 2, एलनिको 1 और एलनिको 3। इसके अलावा एक एलनिको 12 भी होता है, जिसमें 6% एल्यूमिनियम, 18% निकेल, 35% कोबाल्ट और लोहे की मात्रा 33% होती है। इसके अलावा 8% टाइटेनियम भी होता है। और इसके लिए जो निग्रह बल का मान है वो लगभग 65,000 एम्पेटन पर मीटर होता है, परंतु जो अवशिष्ट चुंबकत्व है या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है BR का मान वो 0.58 वेबर पर मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। अब अगला जो पदार्थ है वो है एलनी। 10% एल्यूमिनियम, 25% निकेल और 65% लोहे को मिलाकर के एलनी का निर्माण होता है। इसके लिए निग्रह बल या कोएसिव फोर्स HC का मान 48,000 एम्पेटन पर मीटर है। ये वजन में हल्के होते हैं, लाइट इन वेट, रिलेटिवली वीक मेटल अपेक्षाकृत कमजोर पदार्थ हैं, रिलेटिवली ब्रिटल मेटल अपेक्षाकृत भंगुर पदार्थ होते हैं। इनमें चुंबकीय जो गुण हैं वो उच्च होते हैं और इनका जो BH का गुणनफल है वो ज़्यादा होता है, अर्थात चुंबक में या पदार्थ में चुंबकीय ऊर्जा को संग्रहण ज़्यादा हो सकता है और इनका उपयोग वहनीय व हल्के यंत्रों में किया जाता है। तो आज हमने चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत कोबाल्ट स्टील, टंगस्टिन स्टील, एलनिको और एलनी, इनके बारे में अध्ययन किया, इनके गुणों के बारे में अध्ययन किया तथा इनके गुणों के आधार पर इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में भी अध्ययन किया। इस प्रकार हमारा जो मैग्नेटिक मेटेरियल या चुंबकीय पदार्थ का जो अध्याय था वो अब समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम या अगले लेक्चर्स में हम कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे फ्यूज मटेरियल, सोल्डरिंग मटेरियल्स, थर्मोकपल्स, बाईमेटल्स, सुपर कंडक्टिविटी इत्यादि, और चुंबकीय पदार्थों के और अधिक गुणों के बारे में हम अध्ययन इन किताबों के माध्यम से या इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध जो ज्ञान है, जो मैटर पढ़ा है उसके उससे भी और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।